जी, अब हम अपना सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरम्स जो हैं वो लगाना चाहते हैं हम सब लोग, लेकिन इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूँगी कि सीरम में और क्रीम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखेंगे या ये देखेंगे कि सीरम्स जो हैं वो क्या होते हैं। सीरम जो है वो बेसिकली हाई इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, यानी कि सीरम्स में जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है सीरम जो है, ठीक है, कंपेयर करें अगर आप क्रीम से। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर साइज जो होता है, इसके जो मॉलिक्यूलर साइज है वो छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो उसकी डिलीवरी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है स्किन के अंदर। फिर आ जाता है कि इसके जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। क्रीम्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम इंग्रेडिएंट्स क्रीम में भी हो सकते हैं जो कि सीरम्स में होते हैं, लेकिन वो पावरफुल इतने नहीं होंगे। और जो सीरम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के डीपर लेयर तक पहुँचते हैं, और डीपर लेयर में जाने की वजह से उनका रिजल्ट जो है और उनकी एफिकेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। अब क्या और इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। वो इसीलिए बेहतर होती है कि डीपर लेयर में जाता है इसका व्हीकल जो कि स्किन के अंदर लेके जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को, वो डिफरेंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या होती है, एक तो ये कि इंग्रेडिएंट जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस इस तरह से उनको किया जाता है कि जब वो स्किन के अंदर डिलीवर होते हैं तो तब भी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ही डिलीवर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त आपने उसको बनाया था तो इंग्रेडिएंट कुछ और था और उसके बाद जब वो बनने के बाद स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ही आपकी स्किन के अंदर आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी क्या ख़ास बात है, सीरम्स की ये ख़ास बात होती है कि सीरम्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सीरम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि अगर किसी को ये इशू है स्किन के ऊपर या ये स्किन टाइप है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ये सीरम यूज़ करना चाहिए। सीरम्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स स्किन की जो हैं उनके लिए डिफरेंट सीरम्स जो हैं या स्पेसिफिक सीरम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि सीरम्स में और क्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे जो टॉप का डिफरेंस है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि सीरम्स जो होते हैं इनके अंदर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स, और डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होके आपकी स्किन को एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। हाँ जी, इसके जो बेनिफिट्स हैं या इससे जो हम फ़ायदे ले सकते हैं वो क्या क्या है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करता है, इसके अलावा आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करता है, इसके साथ साथ जो है वो आपके कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट देगा, और जो पोर साइज है उसको भी ये डिक्रीज करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, ठीक है। जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ये जो है ये बेसिकली आपकी स्किन के टेक्स्चर को बेहतर करता है, उसके साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, पोर साइज को इम्प्रूव करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, और उसके साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई सीरम लेना चाहते हैं या इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ नोट करनी चाहिए या क्या चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए उसके बाद आप सीरम को बाय करें, और कौन सा सीरम बाय करना चाहिए ये कैसे पता चलता है, इसके दो मेन जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपने सीरम को चूज़ करना है। और फिर सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है
वो ये होता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है। यानी कि दो चीज़ें जो कि आपने देखनी होती हैं, एक है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि सिरम खरीद लिया हमने। अब जब हमने सिरम ले लिया तो हमें ये नहीं पता कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ कि आप किस कि आपकी रूटीन में जो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए। क्लिंजिंग अगर आप करेंगे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने सिरम कब लगाना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आप क्लिंजिंग करते हैं तो क्लिंजिंग के बाद सिरम लगाया जाता है। अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो एक्सफोलिएशन के बाद सिरम लगाया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, उसी तरह क्लिंजिंग से पहले नहीं, क्लिंजिंग के बाद में सिरम लगाया जाता है। अगर आपने फेस वॉश कर लिया है और आपने टोनर भी लगाना है और सिरम भी लगाना है और आप कन्फ्यूज्ड हैं कि पहले क्या लगता है, तो पहले टोनर लगेगा और उसके बाद आप सिरम अप्लाई करेंगे। अगर आपने क्रीम भी यूज़ करनी है या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और आप सिरम भी यूज़ करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आप पहले क्या लगाएंगे और बाद में क्या, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले सिरम लगता है और उसके बाद जो है वो क्रीम्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर आपको आपने मास्क लगाया और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने किस स्टेप पे, यानी कि मास्क के बाद क्या लगाना है या जो सिरम है उसको कब लगाना है, तो सिरम जी जब आप मास्क को उतार देते हैं, वॉश कर देते हैं या उतार देते हैं, सिरम उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो ये है कि बेशक ये हाईली पैक्ड होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विद द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स और इनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है और डीपर लेयर्स में जाते हैं और काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैजिक फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी क्रीम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से ये पर्जिंग भी देंगे। पर्जिंग क्या होती है कि जब भी आप एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स अपनी स्किन पे लगाना शुरू करेंगे, कोई भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्रेकआउट करती है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द स्किन होता है जिसमें वो अपने आप को नॉर्मलाइज करती है, रिजुविनेट करती है, दिस इज कॉल्ड एज पर्जिंग। तो पर्जिंग तो होनी ही होती है, बिकॉज आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो पर्जिंग तो होगी ही। ठीक है, और कम अज कम भी आपको कोई भी अगर आप सिरम लगाना शुरू करते हैं तो आपको 6 वीक्स का ड्यूरेशन जो है वो ज़रूर रखना चाहिए अपने माइंड में कि 6 हफ्ते तक आपने ये नहीं सोचना कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है और क्या रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है, 6 वीक्स के लिए यूज़ करें सिरम को, उसके बाद देखें कि आपकी स्किन पर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि सिरम्स क्या होते हैं, वो क्रीम से डिफरेंट कैसे होते हैं, उसके बाद आपने इनको चूज़ कैसे करना है कि आपके लिए सिरम कौन सा बेहतर है, और फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से सिरम को यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको इसके एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स और जो के इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो है वो आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स हैं वो आप किस किस चीज़ के अंदर देख सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जो सिरम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, सम उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ सिरम्स जो होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं और कुछ सिरम्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। अब आपने इसको कैसे रिलेट करना है, अपने लिए कैसे आपने चूज़ करना है कि अगर किसी की स्किन जो है वो एक्नी प्रोन है या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं उसके ऊपर, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, या आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं या बनते हैं, तो आपने ऑयल बेस्ड सिरम्स यूज़ नहीं करने, फिर आप वाटर बेस्ड सिरम्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, जिनकी स्किन मिच्योर है, जिनकी स्किन जो है वो ड्रायर साइड पे है, या जिनकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, वो सब लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऑयल बेस्ड सिरम्स भी होते हैं, तो आप ऑयल बेस्ड सिरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप जो है वो अगर ऑयल बेस्ड है या ऑयली है या फिर जो है वो एक्नी प्रोन है, तो आपने वाटर बेस्ड यूज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन मैच्योर है, आपकी स्किन ड्रायर साइड पे है या नॉर्मल टू ड्राई है, तो फिर डेफिनेटली आपने ऑयल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिफरेंट तरह के जो सिरम्स हैं उनको शेयर करूँगी। अच्छा, शेयर करने का जो मकसद है या जो जो वजह होती है वो ये होती है कि आपको नो हाउ होनी चाहिए
कि किस किस्म के या किस तरह के सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या अवेलेबल होते हैं क्लिनिक्स पे, और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से आप कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको एक विटामिन सी का ये दिखा रही हूँ, क्या कहते हैं, सीरम, और ये वाटर बेस्ड सीरम है, कोई भी स्किन टाइप को उसके ऊपर लगाया जा सकता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका विटामिन सी है और ये एक्टिव फॉर्म में ही आपकी स्किन को मिलेगा या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको एक और ये वाला दिखा रही हूँ, ये जो है ये हाइलुरोनिक एसिड का है, आई थिंक लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट, लेकिन ये जो है ये जेल फॉर्म में है, ये ऑयल बेस्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। जब आप इसको लगाएंगे, यानी कि ये कोई भी स्किन टाइप वाला या फिर जिनकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन हो या एक्नी प्रोन हो, वो भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, यंगर स्किन वाले भी ये लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी बन रही होती है या एक्नी होती रहती है और वो कोई सीरम लगाना चाहते हैं। तो अभी जो मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ, ये नायासिनामाइड है इसके अंदर और उसके साथ साथ जिंक है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो रेडनेस होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको जिंक ठीक करता है और जो आपके ब्लैमिशेस होते हैं या फिर जो आपके ब्रेकआउट्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसके अंदर नायासिनामाइड है। अब ये एक्टिव फॉर्मूला है, इसीलिए डार्क ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, डार्क कलर की बॉटल में है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीरम्स में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है कि पर्जिंग होगी, यानी कि ब्रेकआउट्स होंगे और उसके बाद आपकी स्किन ठीक होना शुरू होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और सीरम दिखा रही हूँ, इसके अंदर बेसिकली जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है और उसके साथ विटामिन बी है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को प्लम्प करेगा, आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करेगा, मॉइस्चराइजेशन को बेहतर करेगा, फाइन लाइंस को कम करेगा और एंटी एजिंग तो ये होता ही है। उसके साथ जो विटामिन बी है इसके अंदर, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को जो है वो ब्राइटन अप करेगा। अब हम आज नायासिनामाइड भी आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और पे, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ इसके अंदर अल्फा एब्यूटीन है 2% और उसके साथ जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ये स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा और उसके साथ साथ जो है वो स्किन की हाइड्रेशन को भी बेहतर करेगा। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो विटामिन ए और ई, यानी कि इसके अंदर 27% स्क्वालीन भी है और विटामिन ए और ई भी है। ये मैच्योर स्किन या एजड स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ मैच्योर स्किन के लिए, इसके अंदर 1% सेरामाइड्स हैं। सेरामाइड्स जो हैं वो हमारी स्किन के अंदर कम होते जाते हैं और बनना तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं विद टाइम एंड एज, और उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो आपको फाइन लाइंस भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा है मैच्योर और एजड स्किन के लिए सेरामाइड्स का, इसके अंदर सेरामाइड्स है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ एंटी एजिंग सीरम, ये जो है ये डे में लगाने वाला सीरम है, ये आप डे में लगा सकते हैं, नाइट में भी लग सकता है लेकिन डे के लिए है और डे वाली चीज़ आप नाइट में भी लगा सकते होते हैं, नाइट वाली चीज़ आप डे में नहीं लगा सकते। ये सीरम जो है ये एंटी एजिंग है और ये जो है इसके अंदर एस्ट्राजेंथीन है, ये स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करता है और क्या कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग को रोकता है और जो एजिंग के साइंस होते हैं स्किन के ऊपर उनको कम करता है, स्किन को टाइटन अप भी करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको दो तरह के सीरम्स दिखा रही हूँ, ये जो है ये रेटिनॉल और सेरामाइड्स के साथ है, ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको एडल्ट एक्नी होती है या फिर मैच्योर एंड ऑयली स्किन है या फिर मैच्योर स्किन है और एंटी एजिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये रेटिनॉल के साथ है और रेटिनॉल जब आपने लगाना होता है तो वो लगाना मुश्किल होता है, इसलिए ये सेरामाइड्स के साथ है तो उसको लगाना बहुत आसान है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये बेसिकली प्योर विटामिन सी है, ये प्योर विटामिन सी के साथ है और ये जो है ये बेसिकली स्पॉट्स को क्लियर करेगा, आपके जो है वो पिगमेंटेशंस को, अनइवन टोन को बेहतर करता है, ये बेसिकली किसी भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ
ये जो सिरम है ये टाइटनिंग सिरम है, ये भी यानी कि एजेड स्किन के लिए है और ये टाइटनिंग के लिए है। या आप अराउंड आईज पे यूज कर सकते हैं, फेस और नेक तीनों जगह पे यूज हो सकता है, और ये आप सुबह भी यूज कर सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो एक ये वाला सिरम दिखा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही मजे की है, जेल बेस्ड है और ये किसी भी स्किन टाइप वाला जो है वो लगा सकता है। इसके अंदर सारी जो स्किन को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी की सारी डली हुई है और ये किसी भी एज ग्रुप में आप यूज कर सकते हैं। और असम है, ऑसम इस लिहाज से है कि आपकी स्किन जो है जब उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन मिलेगी तो वो क्यों अच्छी नहीं होगी, वो हेल्दी भी होगी, ग्लोई भी होगी और उसका कलर भी आपको कॉम्प्लेक्शन भी पहले से बेहतर लगेगा। अब मैं आपको एक और विटामिन सी का सिरम दिखा रही हूँ। ये भी जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो विटामिन सी है और ऑलमोस्ट 15% विटामिन सी है। ये आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनइवन टोन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो बेसिकली जो है वो कॉलेजन का सिरम है। अब ये कॉलेजन का सिरम है, एक के एक जो है वो आईज के लिए है और एक आपकी स्किन के लिए है। जो आप स्किन पे लगाएंगे, फेस पे लगाएंगे, वो आप अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं। जो आईज वाला है वो स्पेसिफिकली आईज के लिए ही होता है, वो उसी पे ही लगाना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं कॉलेजन है वो बनना भी बंद हो जाती है विद टाइम एंड एज, और जिन लोगों को स्कार्स होते हैं बेशक वो यंग भी हों वो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेजन सिरम है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 different strengths के अंदर जो है वो क्या कहते हैं विटामिन सी सिरम। ये देखें ये 5% है, या आप अराउंड आईज यूज कर सकते हैं, ये 15% है और ये जो है ये 25% है। दो तरीके होते हैं, इट्स बेटर कि आप लो से स्टार्ट करें, जैसे ये 5% है पहले इसको यूज करना शुरू करें, कुछ अरसे के बाद जो है वो आप 15% पे जाएं और उसके बाद 25% से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इसको यूज करने का। अच्छा, एक और जो है वो मैं आपको विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग सिरम दिखा रही हूँ। किसी भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है, आईज के अराउंड जो आपको फाइन लाइंस होती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है और किसी भी एज ग्रुप में आप ये यूज कर सकते हैं। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ऑसम और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर मैं आपको एक और हाइलुरोनिक, ये प्योर हाइलुरोनिक एसिड है, ये उसका सिरम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप आईज के अराउंड, फेस, नेक कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपके फाइन लाइंस को दूर करता है, स्किन को थोड़ा सा प्लम्प करता है और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो उसकी हाइड्रेशन बेहतर होती है, और हाइड्रेशन बेहतर होती है तो टेक्स्चर और कॉम्प्लेक्शन दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको कुछ जो चीज़ें दिखानी थी, कुछ आपके साथ शेयर करने थे सिरम्स वो दिखा दिए। अब मैं साथ साथ आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करूंगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि आपने सिरम को किस ऑर्डर में लगाना है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आती है कि अगर उनको टोनर भी यूज़ करना है, सिरम भी यूज़ करना है और क्रीम भी यूज़ करनी है तो वो पहले क्या लगाएंगे, बाद में क्या लगाएंगे और फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर कन्फर्म कर लें ताकि अगर आपसे कोई गलती हो रही है लगाने में जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा या आपकी स्किन रिएक्टिव हो रही है तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है।